अब पंडित जी चौंक दिए, पांच को आप लोग बैठ जाइए, पांच को कराने रसोई चुने आई है रसोई चुने आई है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। मैं आज अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह के 8 बजे से, और आज है दिन रविवार का, और आज सुबह मैंने अपने सारे घर का काम कर लिया है। इन दोनों लोगों को ब्रेकफास्ट वगैरह भी करवा दिया है और खुद भी नहा धोकर बिल्कुल रेडी हूँ। और अभी मैं करूंगी पूजा, और पूजा के बाद फिर मैं भी ब्रेकफास्ट करूंगी, और उसके बाद मुझे जाना है अपने फ्रेंड के घर, क्योंकि वहां पे है सत्यनारायण भगवान जी की कथा। तो थोड़ा सा कथा भी सुन के आते हैं, बोलते हैं सावन के महीने में कथा सुनना अच्छा होता है। तो बस यही तैयारी चली हुई थी, तभी तो आज संडे था, थोड़ा जल्दी भी उठी, जल्दी जल्दी मेरे मुंह से निकल गया कि इन दोनों लोगों को मैंने ब्रेकफास्ट दे दिया है तो बोल रहे हैं कि हम लोग हैं। मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने ब्लॉग में बोला कि हाँ इन दोनों लोगों को मैंने ब्रेकफास्ट दे दिया। मैंने ऐसा नहीं बोला एक नाम करके कि आर्ष को, अनुज को, फिर आर्ष बोलता है कि आप पापा का नाम लेते हो। हम लोग हैं, और ब्रेक बेटा नहीं, लोग का मतलब वो नहीं है, लोग का मतलब भाई है, भाई नहीं, लोग हैं, दूसरे लोग हैं, ऐसा नहीं है। कैसा? इन दोनों लोगों को मतलब ऐसे जनरली निकल गया ना मुंह से, तो मैं ऐसा बोलना था कि मैंने अनुज को भी दे दिया है, आर्ष को भी दे दिया, तो बोलते हैं कि पापा का नाम लेते हैं। चलो ठीक है। और ब्रेकफास्ट कैसा बना था? आज बनाया था अर्ष का मनपसंद पास्ता, क्योंकि संडे को ऐसा ही कुछ बनता है। और देखिए महानुभाव को पढ़ने बिठाया था और फोन लेके बैठ गया, और अर्ष ने अपने बालों में भी तेल डलवाओ जल्दी से, ठीक है, और फिर पढ़ने बैठा, अगले क्वेश्चन रेडी कर। और दूध नहीं लाना आज आपने, दूध पहुंच चुकी हूं अपने फ्रेंड के घर में, जहां पे आज भगवान सत्यनारायण जी की कथा है, और पंडित जी भी आ गए हैं, वो लगे हुए हैं अपनी पूजा की तैयारी करने में, क्योंकि कोई भी पूजा होती है तो उसकी पहले ना बहुत सी तैयारियां करने को होती हैं, तो पंडित जी वहीं तैयारियां करने लगे हुए हैं। और मैं चलती हूँ अभी अंदर देखती हूँ क्या कौन क्या क्या कर रहा है, और आपसे भी सबको मिलवाती हूँ। रेडी, और साड़ी लगाई आज कौन से स्टाइल में, पीछे थोड़ा सा क्या बोलते हैं इसको, आगे पल्लू वाले, फिर बोलते क्या है इसको, आगे पल्लू ही बोलते हैं, बिहारी स्टाइल साड़ी आज लगाई हुई है। बिहारी स्टाइल साड़ी काफी खूबसूरत लग रही है। हाँ, इसमें सिर में पल्लू लेते हैं ना, वो अच्छा आता है, मस्त आता है। गुजराती स्टाइल है बिहारी नहीं, हमारे साइड भी ये चलता है। मस्त लग रहा है, बाल बांध ले, बाल बांधती हूँ, हाँ चूड़ियाँ भी पहन ली, मस्त, जल्दी जल्दी से रेडी हो जा। तो हमने लगा रखा है किचन में, किचन में हाँ, दीदी हो गई खेत, कितने रेडी हो गई? अभी आधी हुई है, आधी हुई है हाँ। चलो तो ठीक है, प्रसाद का काम भी मैंने कर दिया, चने भी हमने हो रहे हैं अभी, कर नहीं दिए, और अभी आटा भी लगा देते हैं, सॉफ्ट हो जाएगा तब तक, थोड़ा रहेगा अभी तो, हाँ, है ना। पूरी जी आ रहे हैं भैया, सही है, सही है, सुंदर लग रही है, अब लग रही है शोला श्रृंगार करके, ये तो शादी का ही होता है, आपके यहाँ नहीं ऐसा ही होता, हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है, नहीं हमारे पूजा में ले लेते हैं, पूजा में लेते हैं, अब जैसे बैठेंगे ना तो वो गांठ बांध के बैठेंगे ना लोग साथ में, एक ये गांठ बांधेंगे, फिर पंडित जी बांधेंगे, फिर इसको खोलेंगे, हाँ तो यही बैठते हैं हमारे यहाँ भी ऐसे होता है, पूजा में भी व्रत में भी, अभी आजकल चल रहा है ना वो पल्लू वाला ऐसा,
वो क्या मतलब है? जो जो शादी का है वो शादी का है कि नहीं? कौन सा पल्लू वाला? वो आजकल ऐसा प्लेट्स वाले हाँ, एक साइड प्लेट रह रहे हैं, यहाँ पे वो रह रहा है हाँ। और ऐसे, बट वो नहीं आता उत्तराखंड वाले पिछवाड़े वो उसमें भी कर दिए सिंधी करते हैं हमारे यहाँ भी ऐसा। अब लग रही अब लग रही नहीं था मेरी दोनों रसोई चुनी आई मैं रसोई चुने आई है यहाँ रसोई पूजा कर रही है देखो दूध रख दिया पहली बार वाह सही है सही है सुंदर लग रही है अब लग रही है शोला शी क्यों परी फिर से कहाँ से आ गई दुल्हन ऐसे ऐसे कर रही फिर से करते जंप भाई कैसे कैसे की थी तुम ऐसे यहाँ कितनी सारी कहाँ से आ गई ये देख के रान हो गई कहाँ से आ गई दुल्हन कहाँ से आ गई दुल्हन थोड़ा सा और किनारे का करके फलवा पूजा करो फल को आगे बढ़ा दीजिए लकड़ी को भी आप पास कीजिए ऐसे जितना फल है आगे बढ़ा दीजिए थोड़ा सा और उधर कर दीजिए लेकिन उसको शुद्धिकरण करा करके अब पंडित जी चरण के पांच को आप लोग बैठ जाइए पांच को कराना है हाँ रख दीजिए उसी में रख दीजिए संपत्ति क्रम हर हर महादेव इधर तो पहले आरती दीजिएगा पहले इधर रखिए देना आरती देने के लिए आसमानी दीजिए बैठिए समस्त
ड्यूटी बाहर जा रहे हैं। कुकर में कम बनाती हूँ, टाइम लगता उसको पता टाइम लगेगा चावल। ये गेम थी ना ट्यूशन। ये जने बनारस से लड़का गया था। नजर ना लगा रही है टी शर्ट को। आप इन्हें दी इनको खाना हमने बैठाई है रेस्ट कर। बोला खाना मत दो, हम बस गप्पे मारेंगे बैठ के। हाँ और खीर भी फेवरेट है दिया की और रिया की। सब अच्छा, सब अच्छा। चावल डाल के खा, मस्त मजा आएगा फिर। अरे चावल किसके साथ खाएंगे? चने के साथ। चने के साथ जाओ, जल्दी जल्दी खाओ ठीक है। डाइटिंग पे हैं। हाँ यहाँ पे निशु दीदी हमारी डाइटिंग पे है, सिर्फ ये सैलेड खाए। उसमें देखना वो पूरी वाले में उसमें नहीं है। वाह कोई आप लोग ये नहीं उठाएगी हमें, भले की बैठा दो मिनट घर में जाके गाली पड़ेगी हमें। चलो हम पूजा से आ गए, बहुत अच्छा लगा कथा सुन के। और अभी घर में आ गई हूँ तो घर में अभी कपड़े पड़े हुए हैं अंदर वॉश करके मशीन में, उनको बाहर डाल देती हूँ सूखने। और फिर ये सब्जी लेके आए हैं तो सब्जी भी रखनी है। और अर्श ने पीछे से घर में खूब फैलाया हुआ है तो उसको फटाफट से समेट लेती हूँ। देखिए क्या हाल कर रखी है इसने, सारा समेटती हूँ फटाफट से। लेकिन पहले रखती हूँ सब्जी। शाम का टाइम और अर्श को अभी आ रही अपने होमवर्क की याद है ना, जब कल स्कूल जाना है। देख 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 इतना टाइम याद नहीं है। ये खाते खाते क्या हो रहा है अर्श, पढ़ते पढ़ते देखो बंद कर दो जल्दी। लेकिन अर्श तो अभी इनके लिए मैंने डिनर भी लगा दिया है अर्श और अनुज के लिए। और अभी ये खा नहीं रहे, रखा रखा ठंडा हो जाएगा। अर्श बेटा चलो खाओ जल्दी आओ नीचे। और ये देख के नहीं और टेस्ट करो कैसा बनी ये सब्जी। अच्छी बनी हुई होगी। अच्छा जी अच्छा। और देखो इस बंदे ने क्या किया, हम गए थे कथा में और रूम खोला है और फ्रिज में लिमका निकाला है और ठंडा ठंडा लिमका पी लिया है। अब कर रहा है शी सी सी। गाइस तो आज हमने आज सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी। आई होप आपने भी हमारे साथ ब्लॉग बहुत इंजॉय किया होगा और कथा सुन के ना बहुत अच्छा लगा। और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।